ये तो बड़ा लंबा रास्ता है, ज्यादा समय लग जाएगा। यही एक भला चंगा रास्ता है जो तुम्हें सही सलामत पहुंचा सके, और कहीं इधर उधर भटकने गए तो हमेशा के लिए भटक जाओगे। किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाओगे या भटकते भटकते ही मौत के मुंह में जा गिरोगे। हाँ, फिर तो हम इसी रास्ते से जाएंगे। हाँ भाई, क्या कहना है तुम्हारा? हाँ भाई, जान बचेगी तो ही तो बद्रीनाथ पहुंचेंगे। थोड़ी देर ज्यादा लगेगी पर जिंदा तो पहुंचेंगे। हाँ, सही समझे। हाँ भाई, सुरक्षित रास्ते से ही चलेंगे। केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जाना असंभव भी तो नहीं है। केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ, एक ऐसा मार्ग जिससे गुजरने के बारे में कोई सामान्य मानवी तो सोच भी नहीं सकता था, जहां मानो मनुष्य जीवन का अस्तित्व ही नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मनुष्यों को जीवित रहने देने का कारण बने। अगर कुछ था तो बस कदम कदम पर खतरा। शून्य के नीचे का तापमान जो पानी को पीने के लायक भी नहीं छोड़ता था। मीलों तक फैली हुई बर्फ जैसे विपत्तियों का महासागर और हर क्षण मृत्यु का आह्वान। पर केवल 11 वर्ष का एक बालक कृतनिश्चयी था अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए। इस ठंड में हम लोग यहां कंबल ओढ़कर भी ठीक से सो नहीं पा रहे, और वो बच्चा नंगे पांव खुले शरीर केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ के विकट रास्ते पर अकेला चल पड़ा है। क्या हुआ होगा उसका?
ऐसा क्या था जिसके कारण कोई भी प्रकार की परिस्थिति नीलकंठ वर्णी को रोक सकने में असमर्थ हो जाती थी? कभी हिमप्रपात तो कभी भयानक बारिश, अनजान और निर्जन रास्तों में जंगली जानवरों से आकस्मिक भेंट, अनजान रास्तों को समझकर पहाड़ियों और खाइयों के बीच में से भी रास्ता कर लेने की चुनौती, और आराम करने के लिए धरती का बिछाना और आकाश की चद्दर। नीलकंठ वर्णी की दृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस मनुष्य शरीर से नहीं हो सकता था। देह भाव से पर और मनोभाव से पर नीलकंठ वर्णी की आध्यात्मिक स्थिति ही ऐसी थी जो किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठकर उनकी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाए रखती थी। ऐसे विपरीत हालात में भी अपने नियम, धर्म और अपनी भक्ति के नित्य क्रम के साथ कोई भी समझौता न करके भक्ति की प्रणाली की पुष्टि करता हुआ एक ऐसा उदाहरण नीलकंठ वर्णी ने प्रस्थापित कर दिया जो सदा के लिए भक्ति रीति का पोषण करता रहेगा। आज के समय में भी कई लोग साथ मिलकर बहुत सारी सुविधाओं के साथ जिसे पार करने के लिए हिचकिचाते हैं, वैसा केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जाने का लगभग 75 किलोमीटर का मार्ग नीलकंठ वर्णी ने नंगे पांव, खुले शरीर, अकेले केवल 9 दिनों में पार कर लिया।
जय बद्रीनाथ विश्वम्भरम, जय बद्रीनाथ विश्वम्भरम, जय बद्रीनाथ विश्वम्भरम, जय बद्रीनाथ। अरे इस चरण छाप में ऊर्ध्व रेखा के साथ सारे 16 चरण चिन्ह, ये तो स्वयं परमात्मा के चरणों की छाप है। कहाँ है वो? प्रणाम। मनुष्य के रूप में आपका दर्शन पाकर आज मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है प्रभु। मेरा रोम रोम हर्षित है प्रभु। कहीं सुना है और शास्त्रों में पढ़ा भी है कि भगवान जब मनुष्य रूप धारण करते हैं तब उन्हें पहचानने का सौभाग्य बहुत भाग्यशाली को ही मिलता है। आज मेरे जन्मों जन्म के भाग्य खुल गए कि आपके प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। आपने क्या नाम ग्रहण किया है प्रभु? मेरा नाम है नीलकंठ। नीलकंठ, आप कहां से आए हैं प्रभु? अनिर देश से। ऐसी तो कोई जगह का नाम मुझे याद नहीं प्रभु। मेरी समझ में आए उस तरह से बताइए, कहां से यात्रा आरंभ की, किन किन तीर्थ स्थानों को अपनी उपस्थिति से पावन किया, कहां ठहरे? मैंने आषाढ़ मास में अयोध्या से सरयू पार की और अमरापुर आया। हिंडोला के दिन नारद वन में बिताए और पवित्र एकादशी हरिद्वार में की। तपोवन में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। लक्ष्मण झूला के पास लक्ष्मण मंदिर में उपवित परिवर्तन किया। गणेश चतुर्थी श्रीनगर में, ऋषि पंचमी उद्धव वन में और जल झलनी एकादशी एवं वामन द्वादशी गुप्त काशी में की। त्रियुगी नारायण में पूर्णिमा करके श्राद्ध पक्ष मैंने गुप्त प्रयाग और केदारनाथ में बिताया और नवरात्रि के आरंभ में केदारनाथ से चलकर पहाड़ों को पार करके आज नवरात्रि के नवमे दिन यहाँ बद्रीनाथ आया हूँ। और आपका भाव है इसलिए दीपोत्सव और अन्नकूट उत्सव यही आपके साथ मनाऊंगा। अवश्य प्रभु।